आर बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। ऑनरेबल मिनिस्टर मैं प्राचीन सैन्य स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक 2017 के समर्थन में यहाँ पर खड़ा हूँ। सभापति महोदय, मुझे सिर्फ समर्थन में पहली बात ये कहनी है कि सबके अपने अपने अनुभव हैं। कानून बने 2010 में संशोधन हुआ, लेकिन मेरा तो पहले कहना ये है कि ये इतनी जटिलताओं से भरा हुआ था और उसके संशोधन को वो लेकर आए, इसलिए मैं सरकार को मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा अनुभव मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जब मैं एक बार दो बार सिवनी का सांसद था, वहाँ पर एक मजोली जो भी जबलपुर जिले में आता है, वहाँ पर विष्णु बाराय की देश की सबसे ऊंची और प्राचीन प्रतिमा है, लेकिन उसका कहीं पर भी नाम नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी स्मारकों को चिन्हित किया गया या तो बड़े स्ट्रक्चर देखे गए, लेकिन पुराने और पुरातन और उनके महत्व को शायद नज़रअंदाज किया गया। ऐसे में अनेक उदाहरण आपको बता सकता हूँ। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि जब मैं बालाघाट का सांसद था तो वहाँ कोटेश्वर महादेव का मंदिर है जो राष्ट्रीय स्मारक के उसमें आता है, लेकिन वहाँ बिजली नहीं जा सकती, आप पूजन नहीं कर सकते, एक भी आबादी वहाँ पर नहीं है। ये जटिलताएँ भी इसी कानून के कारण पैदा हुई। तीसरा उदाहरण मैं देता हूँ, मध्य प्रदेश में कटनी जिले में बहुरी बंद है, वहाँ पर शारदा माता का मंदिर जो मूल स्थान है और वहाँ पर लगी हुई गाँव की आबादी भी उतनी ही पुरानी है, लेकिन वहाँ पुरातत्व विभाग के इस कानून के कारण कोई अपने घर को ठीक नहीं कर सकता, ये कठिनाइयाँ भी वहाँ पर मौजूद है। और इसे ये कहना कि पिछला कानून बड़ा ठीक था, सभापति महोदय कम से कम मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ, और बल्कि मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई दूंगा कि कम से कम अभी और सारी ऐसी बातें हैं जो आपके ध्यान में आनी चाहिए और उसके में भी सुधार की आवश्यकता है। अगर आपने डायरेक्टर जनरल के अधिकार को बजाय किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया है तो मैं आपके लिए जरूर बधाई दूंगा। ये का अधिकार ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और अभी भी जितने भी चाहे वो विश्व धरोहर हो, चाहे वो राष्ट्रीय धरोहर हो, चाहे राज्य की धरोहर हो, हम इन कड़े कानूनों के बावजूद भी उनको बचाने में सफल नहीं हुए। चोरियां रुकी नहीं, चोरियां हुई। मैं दमोह का सांसद हूं, बुंदेलखंड में छठवीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक के सैकड़ों स्थान वहां पर मौजूद है। मैं दो गाँव के स्थानों के नाम बताना चाहता हूँ, एक है धोनी और दूसरा है बंसीपुर, जहाँ पर 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के अवशेष थे, उन गांवों में कुछ नहीं बचा। देश की आज़ादी कितने लंबे समय के बाद भी ना आप चिन्हित कर सके और ना आप बचा सके। राज्य सरकार का रानी दमयंती के नाम पर एक संग्रहालय बना, उसके पास आज की तारीख में 167 मूर्तियां हैं और साथ साथ मंदिरों के संकुल होने के बावजूद भी उनका कभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका। क्या ये उस कानून के रहते हुए असफलता नहीं है? हम मेरे यहाँ पर एक कुंडलपुर स्थान है सभापति महोदय, वहाँ एक रुक्मणी देवी की मूर्ति थी, आज से 10 साल पहले चोरी चली गई, राजस्थान में पकड़ी गई, आज विदिशा के ग्यारसपुर के म्यूजियम में रखी हुई है। 11वीं-12वीं शताब्दी की वो मूर्ति अपने स्थान पर दमोह नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सुरक्षा के कारण है, अनेक कारण है। तो मुझे लगता है कि आज इस कानून पर चर्चा हुई है तो उसके दोनों प्रकार है, सबके अपने अपने अनुभव है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बुंदेलखंड में छोटे स्थान हो सकते हैं लेकिन वो प्राचीन है, जिनने लड़ाइयाँ लड़ी हैं वहाँ पर अस्तित्व बचे नहीं है, लेकिन अगर जो अस्तित्व बचे हैं वो छोटे हो सकते हैं तो उनका कोई एक स्थान पर उसका उपयोग हो सकता है। मैं हमारे यहाँ पर बस मुझे दो मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूँगा सभापति महोदय। हमारे यहाँ स्टेट हाईवे पर एक नौलेश्वर शिव मंदिर है जो 13वीं शताब्दी का है, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन इस नियम के कारण आप वहाँ पूजन नहीं कर सकते हैं, वहाँ खाली प्रवेश कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव है कि जिन स्थानों के मैंने नाम बताए हैं जो 6वीं और 7वीं शताब्दी के हैं, जो अभी तक चिन्हित नहीं हो सके, जिनको अधिकृत नहीं किया सकता, आप उसको संकुल के रूप में किसी एक स्थान पर सुरक्षित रूप में अगर रख देंगे तो शायद कोई पर्यटक या देश के पुरातत्व वेत्ता अगर कोई जानकारी लेना चाहेंगे तो कम से कम एक स्थान पर जाकर वो 6वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक के स्मारकों की जानकारी ले सकते हैं, उसके बारे में और भविष्य की चिंता कर सकते हैं। तो ऐसे स्थान बनाने की भी जरूरत है जो पुरातत्व दृष्टि से भले चिन्हित ना हो, लेकिन सरकार अगर किसी एक स्थान पर संकुल बनाकर उनको इकट्ठा कर अपना काम करती है तो मुझे लगता है ये देश की उस पुरातत्व संपत्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा, रिसर्च में काम आएगा और चिन्हित करने का काम पिछली सरकारों ने नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री से आग्रह करूंगा कि जो इतने पुराने और प्राचीन स्थान उनको चिन्हित करके फिर से संरक्षित करने के अपने कानून में कोई प्रावधान करें,
बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।